तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की ए सीरीज के अंदर आने वाले उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा और इसकी कुछ लाइव इमेजेज जो है वो भी लीक हो चुकी है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ना वो बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइजिंग और इसकी लॉन्च डेट के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग वीडियो के ऊपर नए आए हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं यार, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि सारी स्पेसिफिकेशन आपको पता चल सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस डिवाइस के स्क्रीन एरिया की। तो इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओड वाला जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो डिस्प्ले है वो आपको सुपर एमोलेड होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इस डिवाइस के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का जो हाई रिफ्रेश रेट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जो डिवाइस है वो आपको कर्व डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें इसके रियर कैमरा सेटअप की, तो इसके रियर साइड में ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप है वो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल को देखने को मिलेगा और सेकंड में आपको टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो वहां आपको 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात कर ले इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहां आपको स्नैपड्रैगन का 860 वाला जो चिपसेट है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको 5G सपोर्ट के साथ में देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण आपको इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल वाली यहां पर देखने को मिलने वाली है। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको अप टू डेट यहां पर देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहां आपको 4500 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलने वाली है और इन द बॉक्स आपको जो है वो 25W का जो फास्ट चार्जर है वो देखने को मिल सकता है। कुछ लीक्स ये भी बता रही है कि ये जो चार्जर है वो आपको 15W का ही देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स की, तो यहां पर आपको वन UI 3.1, इसी के साथ में एंड्रॉइड 11 और यहाँ पर IP67 की जो रेटिंग है वो भी देखने को मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह का ये जो स्मार्टफोन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इसके लॉन्च डेट और इसकी प्राइजिंग की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको मई के एंड में लगभग आपको 45,000 की प्राइजिंग तक देखने को मिल सकता है। तो कुछ ऐसा ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। अब आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।